हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हैप्पी संडे। तो वेलकम है आपका अपने चैनल रुहेला फैमिली व्लॉग्स में। तो बताइए कैसे हो आप। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज है दिन संडे का और मौसम बहुत ख़राब है। 3-4 दिन से बारिश नहीं रुक रही है, बाहर निकलने का तो काम ही नहीं है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट और लंच दोनों की तैयारी कर रही हूँ। अभी सब्जियाँ सारी साफ़ करके रख दूँगी और आलू मैंने उबलने के लिए रख दिए हैं। आज मैं बनाऊँगी दोपहर में आलू और बथुए के मिक्स पराठे। तो आलू मेरे बॉयल हो जाएंगे और पालक और बथुए को मैंने साफ़ कर लिया है। पहले नहीं साफ़ तो पहले ही कर लिया था, धो के नहीं रखा था क्योंकि फिर उनमें पानी चला जाता है तो वो फ्रिज में रखे जाते हैं, जल्दी ख़राब हो जाता है। बथुआ और पालक साथ के साथ धोने से अच्छा रहता है। और यहाँ पर मैं ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी कर रही हूँ। आलू काट रही हूँ और गोभी, मतलब थोड़ा थोड़ा सारी चीज़ की पकौड़ी बनाऊँगी मैं आज। आलू इसलिए बॉयल के हैं, दोपहर को भी काम आ जाएंगे। और अभी तो चाय भी साथ के साथ रख दूँगी। आलू मेरे बॉयल हो गए हैं, इनको मैं अलग करके इसी कुकर में मैं अपने बथुए को थोड़ा सा उबाल लूँगी। उबाल क्या, बथुआ बहुत जल्दी भाप में ही अच्छा हो जाता है तो थोड़ा सा भाप दिला दूँगी मैं इसको, ये सॉफ्ट हो जाएगा। क्योंकि बहुत से क्या करते हैं, आटे में मिक्स करके पराठे बना लेते हैं और खाते भी हैं, बनाते तो जब है जब खाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर इनको पसंद नहीं है किसी को भी। वो मिक्स करके बना लूँगी तो बच्चे आलू के चक्कर में खा लेते हैं। तो यहाँ पर और आलू को छील के मैं बना लूँगी इसकी पिट्ठी। धीरे धीरे बाकी का काम भी करती रहूँगी। झाड़ू मैंने पहले ही लगा दी थी तो झाड़ू तो मैं उठते ही लगा लेती हूँ। और पोछा तो आज लगाने की बहुत मुसीबत है क्योंकि सूखे गए नहीं और सब लोग घर पर ही हैं। पंखा चलाऊँगी तो ठंड लगने का डर रहता है बच्चों को भी, और बच्चे तो फिर बाहर निकलते ही रहते हैं। तो यहाँ पर मैं है ना आलू मैश कर रही हूँ मैशर से। वैसे मुझे है ना मैशर से आलू मैश करना अच्छा लगता है, मैं हाथ से ही मैश कर लेती हूँ और वो जल्दी बनाना था तो इसलिए मैंने गरम गरम इसको फोड़ लिए हैं, मतलब मैश कर लिए हैं। और मेरा बथुआ भी हो गया है, एक ही कुकर में सारा काम फटाफट कर लूँगी। धो के लगी हूँ, बस आज किचन का ही निपटाऊँगी पहले, बाद में बाकी करूँगी। और इसमें मैं अभी सारी चीज़ें मिलाकर रख दूँगी। बथुआ मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था, बथुए को निचोड़ कर फिर मैं आलू मिला लूँगी। और थोड़ी सी पिट्ठी मैंने अलग कर ली है जिसके मैं पकोड़े बनाऊँगी बेटी के लिए। और यहाँ पर मैं बेसन का घोल तैयार कर लूँगी। इसमें सारी चीज़ें मिलाने के बाद 2 मिनट के लिए रख दूँगी, उससे क्या होगा जिसमें गांठे बनती है ना वो भी घुल जाती है और घोल हमारा अच्छे से बन जाता है। तब तक मैं अपना बाकी का काम निपटा लूँगी। तो चलिए सब कुछ हमने रेडी कर दिया है, बना लेते हैं। सबसे पहले पकोड़े बनाऊंगी और पकोड़े भी मेरे छोटे छोटे से, 5 भी थे। अरे नहीं खाएगी वो, 5 भी नहीं खा पाएगी। और बेसन में डालने के बाद तो और भी अच्छा जाता है, मतलब बड़े बड़े से बन जाते हैं। तेल मेरा गर्म हो गया और गर्म गर्म तेल में मैंने डाल दिए हैं। उसके बाद मैं गोभी के बनाऊँगी और बाकी चीज़ें जो आलू और पालक काट रखे थे, प्याज काट रखी थी वो भी मैंने मिलाई। हरा धनिया नहीं मिलाया क्योंकि पालक तो वैसे भी ग्रीन ग्रीन होता है तो हरा धनिया नहीं मिलाया। और मिलाया था क्या, सच्ची में कहूँ हरा धनिया था भी नहीं घर में, 2 दिन से मार्केट जाना नहीं हो रहा है। तो चाय भी बन गई है, बारिश में कहीं भी नहीं जाना हो रहा, बच्चे भी घर में बड़े बड़े बोर हो गए हैं, वो ही एक कमरे से निकल के दूसरे में बैठ जाओ और कुछ काम नहीं, बस टीवी देखते रहो।
पढ़ाई भी बच्चा कब तक करे, बच्चे के लिए एक्टिविटी भी ज़रूरी है। बाहर घूमेगा, फ्रेश हो जाते हैं बच्चे, अपने आप भी बस बैठे रहते हैं, बस बोर हो रहे हैं ये कह लो। और पकौड़ियाँ हमारी बनकर रेडी हो गई है, चलिए सर्व करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मैं यहाँ पर बाहर खड़ी हूँ, लेकिन मौसम है ना ऐसा ही है, बहुत गंदा मौसम है। 3 दिन हो गए हैं लेकिन बारिश का रुकने का नाम नहीं है, कभी कम हो जाती है कभी ज़्यादा। अभी वैसे बंद है लेकिन फिर भी बाहर ठंड बहुत है, बारिश आने का लग रहा है कि ये सब बारिश फिर से आएगी। और आज का तो बता भी रखा है कि बारिश आज तो बहुत तेज बारिश होगी। और बाहर का मौसम कुछ ऐसा है देखिए, और आज है ना एक बहुत बड़ा नुकसान होने से बच गया, ये जो पेड़ गिरा हुआ है ना ये बिल्कुल रोड पर सीधे गिरा था और बिल्कुल हमारी गाड़ी के पास में था। ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, रात में फिर इसको साइड में करा था, अगर ये पेड़ इस पर गिर जाता ना बस तो गाड़ी तो गई थी। तो सच में फिर इन्होंने थोड़ी सी आगे भी की थी गाड़ी को, डर तो रहता ही है। और मौसम बिल्कुल देखिए सुनसान है, सड़क पर कोई बाहर नहीं निकल रहा है, बारिश अभी बंद हुई है, कभी आ जाती है कभी चली जाती है, पूरा दिन बस यही रहता है। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग आपके लिए, बताइएगा कैसा लगा और प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाइए। हाँ कैसे डाल दूँ, देख तो लो, सारे भीगे कहीं भी नहीं सूखे। हाँ ये जब भी सूखे। हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे, लेकिन मौसम ठीक नहीं है, मौसम बहुत ख़राब है। 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है और अभी बंद होने का कोई भी नामो निशान नहीं है। बाहर आई थी कपड़े देख लूँ डाल दूँ, लेकिन नहीं डलेंगे क्योंकि हल्की हल्की सी बूंदें आ रही हैं और सारी रात हो गई बरसते, अभी तो थोड़ा सा कम है, अंदर ही डालने पड़ेंगे, जुगाड़ करना पड़ेगा, थोड़े बहुत अंदर डाल देंगे। और कपड़ों के भी कहाँ तक करें, कपड़े भी इतने हो जाते हैं और सर्दी में तो ज़्यादा कपड़े होते हैं। और आप 2 दिन का है यहाँ पर लॉकडाउन, वैसे भी शांति है, कोई नहीं दिखाई दे रहा है कल, और कुछ बारिश का मौसम है तो लोग कहाँ निकल रहे हैं। नाश्ता मेरा हो गया, आपको दिखाया भी है थोड़ा सा क्या, आज तो अच्छा खासा बना दिया, संडे का दिन था। और अभी मैं 1 बजे के आसपास बनाऊंगी, अभी 12 बजे है, थोड़ा सा लेट बनाऊंगी क्योंकि अभी इतना हैवी ब्रेकफास्ट लिया है तो खाना तो कम ही खाएंगे, बच्चे हैं छोटा छोटा, थोड़ा थोड़ा सा कहाँ खाते हैं इतना। तो चलिए, बहुत ठंडी हो रखी है, अंदर चलते हैं, पैक हो जाते हैं अंदर जाके।